9 लाइव और मैं हूं आपके साथ साक्षी। कोटा 7 अक्टूबर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार दोपहर 12:30 बजे कोटा पहुंचेंगे। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आबिद कागजी एवं पीसीसी सदस्य क्रांति तिवारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पायलट का भव्य स्वागत किया जाएगा। कोटा से वे झालावाड़ के लिए रवाना होंगे जहां यादव समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इन दिनों राजस्थान के सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों के दौर जारी हैं। प्रदेश कांग्रेस का एक गुट पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के ऐतिहासिक स्वागत करने की तैयारी में जुटा है, क्योंकि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कोटा उत्तर के विधायक भी हैं। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में जयपुर स्थित अपने आवास पर विधायकों की बैठक बुला चुके हैं, जिससे कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। सियासी दाव पेच के दौर में कोटा संभाग में शांति धारीवाल समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ता पायलट के दौरे पर मौन साधे हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि सचिन पायलट के हजौती दौरे से प्रदेश की राजनीति में गर्माहट बनी रहेगी। राजस्थान में सत्ता के लिए कांग्रेस के दो गुटों में विभाजित हो जाने से भाजपा के स्थानीय नेताओं ने खुशी जताते हुए कहा कि अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया करने के लिए कांग्रेस के सत्तालोलुप राजनेता ही पर्याप्त है। सोमवार को पायलट की हजौती यात्रा से कोटा संभाग में राजनीतिक हलचले तेज हो गई है। उनके स्वागत के लिए जगह जगह व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।